क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पोस्ट बॉक्स है जो समुन्द्र में 10 मीटर की गहराई में मौजूद है, और ये पोस्ट बॉक्स जापान के सुसामी बे में मौजूद है। लोगों को यहाँ चिट्ठियाँ पहुँचाने के लिए अंडर वाटर सी डाइविंग करनी पड़ती है, जो कि कितना वियर्ड है। तो कुछ ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इनमें से एक भी फैक्ट आपको बोरिंग नहीं लगने वाला। दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला म्यूजिक परफॉर्मेंस 5 सितंबर 2001 को जर्मनी के एक चर्च में शुरू हुआ, और जरा गेस कीजिए कि ये परफॉर्मेंस आखिर कितने लंबे समय तक चला होगा। शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये म्यूजिक परफॉर्मेंस तब से लेकर अभी भी चल रहा है, और इसे खत्म होने में साल 2640 तक का समय लग जाएगा। इस म्यूजिक परफॉर्मेंस के नोट्स आखिरी बार साल 2013 में चेंज हुआ था, और फिर 2020 में चेंज होने वाला है। चांद पे अपना पहला कदम रखने वाले इंसान को तो हर कोई जानता है, लेकिन चांद पे सुसु करने वाले पहले शख्स थे बज ऑल्ड्रिन, जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ ही अपोलो मिशन में गए थे। आईफोन कौन सी कंपनी बनाती है ये तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर कोई जानता है, लेकिन दुनिया का पहला आईफोन एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाया था। न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका नाम ये है। इस जगह के नाम में 85 लेटर्स है। इसे प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा वो मेरी समझ से परे है। इतने तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स नहीं है जितने इनमें लेटर्स है। दुनिया के किसी भी चिड़ियाघर में अगर आपको ये पांडा दिखे तो ये समझ लेना कि वो पांडा उस देश का नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी पांडा चाइनीज गवर्नमेंट से लोन के तौर पे उन देशों को दिया गया है, और टेक्निकली ये सारे पांडा चाइनीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। डोनाल्ड डक कॉमिक जो दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा मशहूर है, लेकिन यही कॉमिक फिनलैंड में पूरी तरह से बैंड है, क्योंकि इस कॉमिक में डोनाल्ड डक पैंट नहीं पहनता, और ये कोई मजाक नहीं बिल्कुल ही सीरियस फैक्ट है। इंसानों के बॉडी में जो डीएनए होता है उस डीएनए को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ वाइज वो दूरी सूरज से प्लूटो के डिस्टेंस का 34 गुना होगा। मतलब आप सूरज से प्लूटो तक 17 बार जाके उतनी ही बार वापस लौट सकते हो। फैक्ट नंबर 9 में एक ऐसा प्राणी है जिसके पास 9 दिमाग है, 3 दिल है, और इनका खून ब्लू कलर का होता है। ओरियन कॉन्स्टिलेशन में मौजूद बीटलजूस तारा जब भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म होगा, तब से हमारी धरती के आसमानों में लगातार 2 महीनों तक उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की रोशनी आती रहेगी, और ये रोशनी रात के अंधेरे में कैसा दिखेगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। डेड टीवी चैनल्स पर हमें जो ये स्टैटिक दिखाई देती है वो दरअसल हमारे ब्रह्मांड के शुरुआत में हुए बिग बैंग धमाके के बाद के कॉस्मिक रेडिएशन की है। दुनिया में सबसे कॉमन फर्स्ट नेम है मोहम्मद, जैसे कि मोहम्मद अली या फिर मोहम्मद कैफ। दूसरी तरफ सबसे पॉपुलर लास्ट नेम ली होता है, जैसे कि ब्रूस ली या फिर ब्रेट ली। अगर किसी के किडनी में स्टोन्स हो तो रोलर कोस्टर राइड उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि 2016 में की गई एक रिसर्च के मुताबिक रोलर कोस्टर के रियर सीट्स पर बैठने वालों का लगभग 64% किडनी स्टोन क्लियर हो जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुद अपने ही नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बेस्ट सेलिंग कॉपीराइटेड बुक ऑफ ऑल टाइम के रूप में, मतलब दूसरों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने ही बुक में लिखने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक कछुआ मुंह से सांस लेता है, जो कि बिल्कुल ही आम बात है, लेकिन मुंह के साथ साथ ये अपने पिछवाड़े से भी सांस ले सकता है, जो कि इस इमेज को देखकर आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा। अगर आप हीलियम गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के करीब ले जाओगे तो वो गैस लिक्विड में बदलकर सुपर फ्लूइड बन जाएगा, और सुपर फ्लूइड की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ग्रेविटी के नियमों का इनमें कोई असर नहीं पड़ता। आज से 7 साल पहले आप जो इंसान थे उनमें और आप में 1% भी मेल नहीं है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि हर 7 सालों में आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है नए मॉलिक्यूल्स से। मुर्गी पहले आया कि अंडा, इसे लेकर तो आज भी दुनिया में बहस चलता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे पहले शार्क्स आए या फिर ये पेड़ पौधे, तो आपका जवाब क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से लवरी एक्ट जरूर मिलेगा, उसी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में लाइक का टारगेट है सिर्फ 20,000, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।